आंखों से देखा तब पता चला कि रणदीप हुडा के साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी फिल्म का पार्ट बन रहे हैं और लीड हीरोइन कौन है। तो ऐसे उड़ते उड़ते बात आई है, मतलब कि वेलकम इन द हैशटैग मूवी शूट डायरी। आप सभी लोगों को एक मजेशीर बात बताना चाहता हूँ कि आज जिस लोकेशन पर या जिस सेट पर आया हूँ मैं, वो सेट बहुत बड़े सुपरस्टार का है ऐसे समझ में आया है। उड़ उड़ कर बातें आई है लेकिन कंफर्म पता नहीं, लेकिन सुनी हुई बातें आपको बताता हूँ। ये भी लोग कह रहे हैं कि सलमान खान का सेट है, सलमान खान का मूवी है, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला का भी मतलब इनमें सहभाग है। देखते हैं, लेकिन आपको आगे बताता हूँ मैं। अब फिलहाल हमारा नाश्ता हुआ है और अब हम सभी जूनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। क्या अपडेट रहता है ये अपडेट मैं आगे बता दूंगा, जैसे मुझे मतलब बताएगा कोई या मुझे पता चलेगा। हम सभी, मेरे पीछे देखिए, वो सभी जूनियर आर्टिस्ट है। अभी हम एक स्कूल में बैठे हैं, भोर गांव का स्कूल है ये, भोर का पुणे से 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर है, उधर आज का लोकेशन है शूट का। सुबह के 10 बजे हम सेट पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई मतलब सीन शूट नहीं हुआ है। कुछ जूनियर आर्टिस्ट को लिया है सीन में और हमें रिपोर्टर का रोल दिया है, लेकिन अभी तक हमारा शूट नहीं हुआ है। लेकिन मज़े की बात आपको एक बताता हूँ, फाइनली मुझे समझाए कि कौन सा लीड एक्टर है बॉलीवुड का। तो भाइयों, मैंने मेरी आंखों से देखा रणदीप हुडा इस फिल्म में लीड रोल कर रहे, फिल्म का नाम पता नहीं चला है, और मैंने आंखों से देखा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मुझे विजय थैलापति बोला था मूवी में है, लेकिन वो मराठी मूवी निकली, लेकिन ये जो मूवी है मैंने मेरी आंखों से देखा तब पता चला कि रणदीप हुडा के साथ हम काम कर रहे, उनकी फिल्म का पार्ट बन रहे और लीड हीरोइन कौन है। तो ऐसे उड़ते उड़ते बात आई है, मतलब कि उर्वशी रौतेला जी है, लेकिन उनको मैंने मेरी आंखों से अभी तक देखा नहीं। कुछ लोगों ने तो बोला है वो आज सीट पर नहीं आने वाली है, कल आने वाली है, लेकिन पता नहीं हम कल आएंगे या नहीं। 10 दिन का शूट है हमारा, इधर ऐसे बोला तो है, देखते हैं क्या होता है। भाई अभी उस बंदे को देखा, रणदीप हुडा को, सरबजीत मूवी में उसने उसका जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मतलब इतना जीरो लेवल किया था, इतना जीरो लेवल की उसके जो चेस्ट रहते हैं ना, उसके उसमें जो रिप्स रहते वो रिप्स दिखते थे, लेकिन उस बंदे को मैंने अभी देखा तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव है। क्या बॉडी बनाई है अब, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह से इंतज़ार कर रहा था उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन फाइनली अपनी जो एक ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि मैं रणदीप हुडा और उर्वशी रौतेला के मूवी का, या हमारी मूवी का बोल सकते हैं क्योंकि मैं भी उस मूवी का पार्ट हूँ, तो उस मूवी में ना काम कर रहा हूँ। इस मोमेंट का मुझे प्राउड फील हो रहा है। ये जो आगे दिख रहा है ना, ये पुरातन वास्तु है, कॉलेज है, इस कॉलेज में हमारा शूट हो रहा है, इंडोर शूट है। मैं लोकेशन बता नहीं सकता यार, क्योंकि क्या है, ये प्राइवेसी की बात है, और मैं लोकेशन बताऊंगा तो जो लोग देखते हैं ना वीडियो, वो लोग इधर आके झुंड मचाएंगे, तो मतलब झुंड मतलब पब्लिक ज़्यादा आ सकती है, तो बस ये लोकेशन मैं बता नहीं सकता कहाँ है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यार, बहुत मतलब बहुत। आज खास कुछ नहीं हुआ, हम रिपोर्टर सिर्फ बैठकर ही रहे पूरे दिन। हुड्डा साहब की फिल्म है ये, तो आपको मैंने बताया, और ऑफिशियली मैं बताता हूँ, मैं भोर में हूँ अभी। भोर का लोकेशन तो आपको मतलब बताने नहीं वाला था, लेकिन बता दिया, और ऑफिशियली पैकअप हुआ है आज बताने के लिए, और कुछ
एक्सपीरियंस भी नहीं किया तो मैं कुछ खास आपको बता नहीं सकता। बस इतना बता सकता हूँ, ये देखिए बड़ी सी रिवर, ये इतना दिखा सकता हूँ मैं यार आज। बस भाई इतना ही खास हुआ है लाइफ में, खाए पिए कॉस्ट्यूम चेंज किए, बस आज बोला है 2 दिन के बाद फिर से आना इधर शूट के लिए। आज हमारा शूट नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे जूनियर आर्टिस्ट थे उनका शूट हुआ है। देखते परसों ना, हाँ परसों बोला, मंडे कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और परसों हमारा शूट फिर से चालू होने वाला है, तब तक आप सब ठीक रहिएगा। उससे पहले स्प्रेड ह्यूमैनिटी, सेव वाटर एंड सेव फूड, ये 3 चीज़ों कभी मत भूलना। बाय।